अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आशीष किचन में आप सबको खुश आमदीद। आशीष किचन में आज हम बना रहे हैं आलू मटर कीमा। इसके लिए मैंने ये तेल में 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अभी मैंने 1/2 किलो कीमा लिया है, इसको मैं इसके अंदर भून लूंगी अच्छी तरह। बहुत मजे का ये कीमा बनने जा रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर इसमें भूनेंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे, फिर हम इसमें सारे मसाले डालने शुरू करें। आज मैंने जीरा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी लाल का नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने 1 टमाटर चॉप किया है दरमियाने साइज का, 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 दरमियाने साइज की प्याज, ये हम इसमें डाल के भूनने के लिए छोड़ेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, उसी में हम थोड़ा कीमा डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा कीमा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर ये 1 प्याली मटर डाल रहे हैं, आलू डालते हैं। ये मैंने दोनों चीजें डाल दी हैं और थोड़ा से पानी के साथ इसको 10 से 5 मिनट के लिए रखूंगी। ये इंशाल्लाह हमारा आलू कीमा तैयार हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कीमा तैयार हो गया है माशाल्लाह। और अब ये मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। ये हमारा कीमा तैयार है। आलू मटर कीमे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।